पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में दिन दहाड़े नाबालिग लड़की को तमंचे के बल पर अगवा करने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला जनपद मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के खैरखाता गांव का है, जहां पर नाबालिग लड़की को उसके आशिक द्वारा तमंचे की नोक पर उठा लिया गया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी पुलिस सख्त है, लेकिन प्रेमियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि भरी आबादी वाले गांव में बीचों बीच घर होने के बाद भी हाथ पैर बांध कर और परिवार को बंधक बनाकर नाबालिग लड़की को उठा ले गए। नाबालिग लड़की 17 वर्ष की बताई जा रही है, जिसके चलते लड़की के साथ पूरी रात दबंग युवकों ने बदतमीजी की और अश्लील हरकतें करने का मामला बताया जा रहा है। सुबह को पड़ोसी दबंग युवकों के घर पर शक के आधार पर पुलिस द्वारा घर की तलाशी ली गई। तब युवती के हाथ पैर बंधे हुए घर की दूसरी मंजिल पर बंद कमरे से युवती बरामद हुई। युवती को कब्जे में लेकर पुलिस थाने ले गई, जिसके चलते परिवार वालों का पुलिस पर यह आरोप है कि हमने चार लोगों के खिलाफ, दो नामजद और दो अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए तहरीर दी थी, फिर भी पुलिस कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। दबंग युवक अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिनसे लड़की के पूरे परिवार को ही जान का खतरा है। इमरान, मेरी भतीजी को किडनैप कर लिया पांच चार लोगों ने। कौन कौन? जिसान, उवैस, अंसार और एक शाहरुख। कहाँ ले गए? ये अपने घर बंद कर लिया, कमरे में बांध के रस्सी से, और उसे नशा दे दिया था। सर, हमें पता चला, पुलिस ने देखा तो पुलिस ने निकाला, हाथ बंधे हुए थे लड़की के, वहाँ से निकाल के बाद में पुलिस उसकी भाभी को और उस लड़की को यहाँ थाने ले आई। उसे छोड़ दिया, उसकी भाभी को और लड़की आई है। दो दिन हो गए हमें थाने के गेट पे बैठे हैं। नदीम भाई, पूरा मामला ये है सर, मैं और मेरे पिताजी करते हैं दिल्ली में काम। मेरे घर में मेरी अम्मी, मेरी बहन, मतलब मर्द नहीं रहते। तो वो रात को आए, मेरी अम्मी को बांधा, दीवार कूद के आए, मेरी अम्मी को बांधा और मेरी बहन को, बच्चों को सबको बांध के चले गए और मेरी बहन को उठा के ले गए नशा करके। उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और पूरी रात पता ना क्या करा, कहाँ रही वो इस हाल में पता ना। और सुबह को पुलिस वालों ने उनके घर में से बरामद करा। भगतपुर में एक खैरखाता गाँव है, जहाँ से एक लड़की को उसके पड़ोस के युवक बहला फुसला कर ले गए थे। इस संबंध में थाने पर केस रजिस्टर किया गया था और लड़की को सकुशल उनके घर से बरामद किया गया, और इसमें दो अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। प्रारंभिक जांच में ये बात गलत आई है। लड़की स्वयं लड़कों के साथ बताई गई की गई है और इनका पूर्व से आपस में परिचय भी था। इस प्रकार की घटना की पुष्टि नहीं होती है कि तमंचा आदि की नोक पर कोई अपहरण।